कुछ विधर्मी लोग जिसके साथ दो चार पुलिस वाले भी थे, उन्होंने रात में दीवार फांद के और यहाँ हमला किया। पास शस्त्र भी थे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उधम मचाया। हमारे यहाँ संगठन मंत्री रहते हैं, उनको बहुत गालियाँ दी। वो तो यह है कि यहाँ के चैनल गेट का ताला नहीं खुला, बाद में उन्होंने तोड़ भी दिया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कभी आपने देखा होगा, आप देखें तो कोई मुश्किल से 14-15 साल 16 साल इस तरह के यहाँ कोई 17-18 बच्चे, वो एकदम दहशत में आ गए। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी तुरंत आया, यहाँ आया जब तक वो लोग जा चुके थे, वो दीवार फांदी, बाद में यहाँ का ताला भी तोड़ा हुआ, पर जब तक क्या है कि कुछ लोग आ गए थे इसलिए वो वक्त। फिर हमने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस भी आई थी यहाँ, अप्रोच किया तो आज तक भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हमें महसूस नहीं हो रही कि कोई कार्रवाई की। अब कहते हम कर रहे हैं तो दिखनी भी चाहिए। मुझे तो ये जानकारी है कि अभी तक तो उन्होंने FIR भी नहीं करती। तो इसका क्या है कि पूरे क्षेत्र में चूँकि ये संभाग का कार्यालय है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, इसलिए पूरे आरोपी क्षेत्र में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया है। रोज हमारे पास वो आ रहे हैं, भाई क्या करें, बताओ क्या करें, क्या करें। इसलिए आप लोगों को हमने यहाँ बताया, ऐसी घटना हुई, पुलिस ने अभी तक FIR भी नहीं। बात करते हैं कि हमारी जांच जारी है, अब जांच में तो कुछ कह नहीं सकते कि जांच में क्या किया है क्या नहीं किया, कुछ दिखा नहीं ऐसा कि उन्होंने जाँच में क्या किया। अब इसमें हमारी अपेक्षा है कि सबसे पहले तो जो पुलिस में कार्रवाई होती है, कोई भी घटना होती है वो रहे। आप देखो कि कश्मीर में तो सेना के खिलाफ भी FIR लॉज होगी और यहाँ जो है विधर्मियों के खिलाफ भी FIR लॉज नहीं होगी। तो एक तो वो जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज करें, उसकी कॉपी हमें दें। दूसरा क्या है कि जो जो भी उसमें थे, क्योंकि साथ में पुलिस वाले थे, तो उन सब के खिलाफ वो करके उनको आइडेंटिफाई करके और उनको गिरफ्तारी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करें और एक भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए पूरी पाबंदी करें। क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर मान लो ये ताला वो बाकी लोगों के आने से पहले तोड़ देते तो पता नहीं वो किस इरादे से आए थे, क्या किया। इस चीज़ के लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस चीज़ के लिए, क्योंकि रात को 11-12 बजे की मैं यहाँ समझूँ 12 बजे आया था, दूसरे पुलिस वाले भी आ गए थे जितने, वो तो बगैर दूर से आ गए, उनसे बात हुई, भाई आप आए हो ठीक है बहुत अच्छा है, पर किया क्या आप जी? अभी तक उनका कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया। ये हमारा डर है आगे के लिए, जो भी है, जो भी रूपरेखा होगी कहा वो है, इसके लिए जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा आंदोलन की रूपरेखा बताएंगे, इसमें धरना प्रदर्शन रैली बंद, और हमारे कार्यकर्ता तो इतने आक्रोशित हैं कि अगर हम ये जरा सा भी नहीं करें तो कोई कार्यकर्ता कुछ न कर बैठे, इसका कोई